पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस दिल्ली में सड़कों पर उतर आई। यूथ कांग्रेस के दफ्तर से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। अमर जवान ज्योति जाने की कोशिश कर रहे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया और 2 घंटे बाद फिर छोड़ दिया। राहुल गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद केंद्र और पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस ने मेरी शिकायत नहीं लिखी, ये मोदी जी का नया हिंदुस्तान है। पुलिस ने राहुल के आरोपों के जवाब में कहा कि बिना इजाजत इंडिया गेट तक मार्च निकालने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद राहुल को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। जेएनयू कैंपस में गुमशुदा छात्र नजीब को लेकर फिर नई सियासत की जुगलबंदी देखी गई। जेएनयू छात्र संघ की ओर से आयोजित सद्भावना सभा में कांग्रेस आपके साथ साथ जेडीयू लेफ्ट के नेता भी शामिल हुए। जेएनयू कैंपस में लापता छात्र नजीब के लिए हुई सभा में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर भी शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला और छात्रों से इस आंदोलन को कैंपस से बाहर ले जाने का आह्वान किया। दिल्ली पुलिस ने लापता छात्र नजीब का पता लगाने वालों को 1 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने रथ यात्रा के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत की। लखनऊ से शुरू हुई यात्रा को एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्नाव पहुंचकर अखिलेश ने अपनी तारीफों के पुल बांधे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी बीएसपी पर निशाना भी साधा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ और हीरानगर के पास से आज तक ने उन जगहों का खुलासा किया है जहां से आतंकी घुसपैठ की वारदात को अंजाम देते हैं। आतंकियों ने इन जगहों से 13 दिनों में 6 बार घुसपैठ की कोशिश की है। हीरानगर, कठुआ, सांबा सेक्टर के पास पाक सीमा में पाक सेना और आईएसआई ने घुसपैठ के 4 लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूल जलाने की घटनाओं के मामले में बारामूला पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों लोगों ने पूरी साजिश के बारे में जानकारी दी है। आरोपियों के पास से पुलिस ने पेट्रोल भी बरामद किया है। तीनों आरोपी पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। सीमा और एलओसी पर जवानों की शहादत को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने अजीब बयान दिया है। लालू ने कहा है कि क्यों बिहार के ही लोग सीमा पर शहीद हो रहे हैं। हाजीपुर में शहीद राजीव राय के घर लालू के साथ पहुंचे उनके बेटे तेज प्रताप भी बोलने में कम नहीं रहे। तेज प्रताप ने कहा कि करगिल युद्ध के समय भी बिहार के जवानों को शहादत के लिए आगे किया गया था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाए धुंध की मोटी परत ने बीते 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर में समस्या और गंभीर हो गई है। स्मॉग को देखते हुए कुछ स्कूलों ने छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस देते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आने वाले 1-2 दिनों तक स्मॉग से राहत के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर उतरा। चीन सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर उतरा C-17 ग्लोब मास्टर विमान 6,200 फीट ऊंचाई पर और केवल 4,200 फीट लंबे रनवे पर ग्लोब मास्टर को उतार कर वायुसेना ने एक और कामयाबी अपने नाम की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 स्तरों वाले टैक्स की दरों का ऐलान किया है। जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स की दर निर्धारित की है। 12% और 18% स्टैंडर्ड टैक्स दरें निर्धारित की गई हैं। खाद्यान्न समेत 50% वस्तुओं पर 0% टैक्स लगाया गया है। आम जरूरत की चीजों पर सबसे कम 5% का टैक्स लगेगा। पूर्व सैनिक रामकिशन खुदकुशी मामले पर राहुल गांधी और केजरीवाल की हिरासत को बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने गलत बताया है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि केजरीवाल और राहुल को रोका जाना गलत है। शिवसेना ने पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर दोष मढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय मूल के बस ड्राइवर मनमीत अली शेर के पार्थिव शरीर को भारत लाया गया। ब्रिस्बेन में मनमीत को एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाया था। शव के भारत आने के वक्त पंजाब सरकार के मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा
और आप विधायक जरनैल सिंह मौके पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मनमीत की हत्या को लेकर स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहब के पास बनाया गया हेरिटेज लोगों को खूब भा रहा है। पर्यटकों के मुताबिक उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो देश में इतने भव्य नजारे को देख रहे हैं। लोगों के मुताबिक पहले के बजाय यहाँ पर काफी साफ सफाई रहती है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर यमुना घाटों की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है 4 दिनों का छठ महोत्सव। बिहार के खगड़िया में छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने किसी भी हादसे से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजामों का दावा किया है। स्थानीय लोगों ने छठ घाटों पर साफ सफाई और पर्याप्त व्यवस्था न होने की बात कही थी। उत्तराखंड के पौड़ी में करीब 49 लाख की लागत से बना पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया। पुल के ऊपर से ईंट से लदा ट्रक गुजरते ही पुल टूट गया। इसी साल जून में तैयार हुए पुल के टूटने पर पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आजमगढ़ के जिला अस्पताल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टरों ने कक्षा 7 की छात्रा के पेट का ऑपरेशन करके आधा किलो बाल का गुच्छा निकाला है। परिवार वालों के मुताबिक लड़की को बाल खाने की आदत थी। पेट में दर्द होने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के दखल के बाद 10 साल के लड़के का दाखिला स्कूल में होने का आदेश जारी हुआ है। गांव में शिक्षा के सही इंतजाम न होने और माली हालत का हवाला देते हुए 10 साल के दिव्यांशु ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। पीएम ने HRD मंत्रालय और CBSE को छात्र के दाखिले का निर्देश दिया था। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी में जब्त शराब रखने के लिए थाने में जगह नहीं होने की नई मुसीबत पुलिस के सामने आई है। अवैध शराब रखने के लिए पुलिस को लॉकअप में जगह नहीं मिल रही है। शराब की पेटियों से लॉकअप के भरे होने की वजह से अपराधियों के रखने का संकट पुलिस के सामने खड़ा हो गया है। राजस्थान के जालौर में कर्ज में दबे पिता की मदद के लिए नाबालिग बेटे ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। रिश्ते के भाई के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर आरोपी नाबालिग ने जेवर भी लूटे थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 10 साल की मासूम से स्कूल कर्मचारियों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने स्कूल के 15 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। बुलढाणा के खाम गांव के इस स्कूल में आदिवासी छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की के जीजा पर तेजाब फेंकने की खबर सामने आई है। जीजा की हरकतों से परेशान होकर साली ने तेजाब फेंककर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने बहन और 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। प्रेमिका ने अपनी सगी बहन और एक शख्स के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला ने 50,000 कैश भी लूटे थे। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम में कांग्रेस नेता की PSO की कार्बाइन साफ करते वक्त निकली गोली से साथी जवान घायल हो गया है। दीवार से टकराकर गोली आराम कर रहे जवान के हाथ में लगी। घायल पुलिस वाले की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है और आरोपी PSO को हिरासत में ले लिया है। मुंबई के गौतम नगर इलाके की लगभग 10 दुकानों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। आग की चपेट में आने से कई ऑटो रिक्शा पूरी तरह से जल गए। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने वाला उसका दोस्त ही है। आरोपी शख्स अपने भतीजे के साथ फरार है। मृतक सईद पर रात घर जाते वक्त हमला किया गया। हमले के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के मऊ में निजी स्कूल की 4th मंजिल पर काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शव रखकर हाईवे पर हंगामा किया। भीड़ ने हाईवे से गुजर रहे लोगों की भी पिटाई की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हंगामे और तोड़फोड़ से कई लोग घायल हुए।
कानपुर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एक व्यापारी से 50,000 गुंडा टैक्स न देने पर तमंचा लगाकर बदमाशों ने धमकी दी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में जूट मिल में आग लगने से करोड़ों का माल स्वाहा हो गया। मिल में आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मैनेजर के मुताबिक मिल में रखे गए 4 आग बुझाने के उपकरण काम नहीं आए। मिल प्रशासन ने कुछ उत्पादन यूनिट को बंद कर दिया है। जालंधर में पुलिस ने बड़े लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। लूट की वारदात में शामिल बीडीएस और वकालत कर रहे 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास पिस्तौल, कारतूस और कई धारदार हथियार बरामद किए हैं। तिरुवनंतपुरम में एक सीपीएम नेता और उसके दोस्तों पर महिला ने 2 साल पहले गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। सीपीएम नेता ने आरोपों से इनकार करते हुए महिला पर पैसे न लौटाने की बात कही। विधानसभा में गैंगरेप मसले पर विपक्ष हंगामे की रणनीति बनाने में जुटा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मेयर ने गैर कानूनी तरीके से चल रहे एक डांस बार रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। मेयर के औचक निरीक्षण के दौरान डांस बार वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा था। मेयर ने कहा कि हम ऐसे किसी भी डांस बार को नहीं चलने देंगे जो हमारे कल्चर और शहर को बदनाम कर रहे हैं। छठ मनाने के लिए गुजरात से औरंगाबाद लौट रहे युवक के साथ ट्रेन में लूटपाट की गई। युवक के ऊपर तेजाब फेंककर बदमाशों ने इसे टॉयलेट में बंद कर दिया। गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दाऊद इब्राहिम के साथी अब्दुल रऊफ को ढाका की अदालत ने बरी कर दिया है। बांग्लादेश अब्दुल रऊफ को भारत को सौंप सकता है। गुलशन कुमार हत्याकांड में आरोपी रऊफ भारत से साल 2009 में फरार हुआ था। भारत और बांग्लादेश के अधिकारी रऊफ को सौंपने पर बातचीत कर रहे हैं। नेपाल से भी दाऊद के एक और करीबी रविराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रविराज नेपाल से जाली नोटों का दाऊद का कारोबार चलाता था। नेपाल के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काठमांडू में इंडिया फाउंडेशन सेमिनार को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भूकंप के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्य में नेपाल की मदद को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग की जरूरत पर बल देने की बात कही। सीरिया में विद्रोहियों ने अलेप्पो में फिर से नए हमले किए। विद्रोहियों के रॉकेट हमले और फायरिंग में करीब 12 लोगों की मौत हो गई। अलेप्पो में फौज और विद्रोहियों के बीच घमासान जारी है। अलेप्पो में भीषण लड़ाई के बाद धुएं का गुबार देखा जा रहा है।